खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग लक्ष्यरामपुर में दिनांक 26/2/2023 को कैंपिंग और शपथ ग्रहण समारोह का पहली बार आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी मौजूद रहे। बता दें कि लक्ष्यरामपुर स्थित मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग में लाइटिंग सेरेमनी व शपथ ग्रहण समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोर्स पूरा कर चुके छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई, तत्पश्चात उपाधि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से संस्था प्रमुख डॉक्टर आरवी त्रिपाठी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर रजनी तिवारी, डॉक्टर मयंक त्रिपाठी, डॉक्टर सुवी त्रिपाठी व शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्यारी सी, सुंदर सी, झिलमिलाती शानदार दोपहर में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूं और आप सभी यहां पधारे उसके लिए आप सभी का दिल से आभार। और I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowing administer any harmful drugs. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence of personal matters committed to my keeping and all family affairs. Coming to my knowledge and in the presence of my calling, with loyalty, I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. जानना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से किया जाता है और इसका करने का मकसद क्या है। लैंप लाइटिंग इन ओथ सेरेमनी एक ओथ सेरेमनी ही है, जो बच्चे हमारे नर्सिंग कॉलेज में आते हैं उनको हम ओथ दिलाते हैं कि नर्सिंग जो प्रोफेशन है इसका अपना एक स्टेटस है, एक अपनी सोच है, अपना एक विजन है और विजन को पूरा करने के लिए आपको ओथ लेनी पड़ेगी। उस ओथ के तहत ही वो काम करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में। आपने सुना नहीं उसको कि कैसे कैसे आपको नर्सिंग सेवा करनी है, पेशेंट की देखभाल कैसे करनी है, क्या क्या उनके क्या क्या सीक्रेट्स हैं उनको आपको रखने हैं अपने पास, उनकी सेवा किस तरह से करनी है, आपके भाव कैसे होने चाहिए, सारा कुछ बताया जाए। उसके बाद में प्रोग्राम फिनिश होने के बाद आप फोटो कराइए। यही चाहूँगा कि आप मतलब हमारे जनपद वासियों को या क्या संदेश देना चाहते हैं कल्चरल डांस प्रोग्राम के माध्यम से। निकिता एंड ग्रुप नर्सिंग प्रोफेशनल लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। निकिता एंड ग्रुप हमें चाहते हैं कल्चरल डांस को बदलना चाहिए। नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ही पवित्र और बड़े सेवा भाव से भरा हुआ प्रोफेशन है। आजकल जॉब ओरिएंटेड भी है,
जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो रहे हैं तुरंत उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जा रहा है। तो नर्सिंग प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन है, इससे हमको दूर नहीं भागना, हमको अपने बच्चों को इसमें इस पटल पाठ में। इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।